महीना का जैसे हीरो बच्चा आकर था। ज्यादा स्टाइल मत मारने, तो ऐसा फाइट मारूंगी कि जाके गोरखपुर में गिरोगे। जब भी हम बुक को सामने लाते हैं मुझे नींद आने लगता है, जैसे कॉपी को हटा देते हैं वैसे सोचते हैं कैसे हमको डांस करना है। बोले भोजपुरी बोलिया खाती चाही, दुल्हा देहाती चाही। आपका फेवरेट गाना कौन है? गाना तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी ये गाना बता दी तो फिर आगे चल के इससे बड़ा गाना अच्छा आएगा गाना, तो बोलेंगे नहीं वो है वो है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती। तो सारे गाने मेरे अच्छा, इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती हैं? हमें आता है आता है कि कहीं से सीखे हैं कि कहीं क्लास किए हैं? नहीं नहीं हम घर में खुद को मिरर में देख के कर लेते हैं। अब बताइए, अपना डांस खुद ही देखती है मिरर में और करती है, उसके बाद रील पोस्ट करती है। अच्छा, आपका रील्स जो है कौन बनाता है? कैमरा कौन पकड़ता है? मोबाइल कौन पकड़ता है? यूट्यूब और फेसबुक मेरी मम्मा करती है, जो भी शूट होता है और डालना होता है मेरी मम्मा करती है। और इंस्टाग्राम रॉयल बाउंसर हेड हैं, जो रॉयल बाउंसर टीम के गोपालगंज के हैं उनके हेड है जो विकास भैया, वो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम का। अच्छा, खेसारी लाल के साथ काम करने के लिए बिहार के एक से एक आपसे बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े रील्स क्रिएटर हैं, तरसते हैं, लेकिन इतना आसानी से रजनी को खेसारी लाल के साथ डांस से प्रोग्राम शेयर करना कैसे मिल गया? रॉयल भैया के वजह से ही हुआ, विकास भैया के वजह से, क्योंकि सबसे पहले दिन तो मेरे पेरेंट्स का है जो कि मुझे यहाँ तक आने में सपोर्ट किया, और सेकंड रॉयल भैया हैं विकास भैया जो कि मुझे वहाँ तक लेके गए। गांव देहात में लोग कहते हैं कि अगर फलानवा के लड़की रील बना रही है ऐसे करेगी वैसे करेगी, आपको क्या लगता है? क्या लगता है, बोलने वाले बोलते रहे, हमारे फैन फॉलोइंग बढ़ते रहे, उसमें मुझे क्या करना है भाई, मेरा काम है करना, हम अपना काम करते हैं, लोगों का काम है बोलना वो बोलते हैं। आपका फेवरेट गाना कौन है? गाना तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि अभी ये गाना बता दी तो फिर आगे चल के इससे बड़ा गाना अच्छा आएगा गाना, तो बोलेंगे नहीं वो है वो है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती। तो सारे गाने मेरे लिए अच्छे हैं। अपने दर्शकों के लिए एक डांस हो जाए। सावन का महीना चल रहा है, लड़कियां और औरतें काफ़ी पूजा में लीन है इस वक्त। कोई शिव जी का यानी सावन का कोई सॉन्ग सुनाइए। करिल सोमारी बचपन से, मांगिल मंगौती अपना मन से, रुपया वाला मोटहन नहीं पाटी चाही। बोले भोजपुरी बोलिया खाती चाही, दुल्हा देहाती चाही। अभी उम्र नहीं है, अभी मात्र 13 साल उम्र है। गाना होता है और ऐसा थोड़ी सुनिए, ऐसा थोड़ी, इसका मतलब प्रिया सुहानी बोली ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाए, इसका मतलब माहुर खा के मर तो नहीं गई ना। तो गाना गाना होता है भाई, कोई भी गा सकता है। अच्छा, रील बनाने में आपकी पापा मम्मी कितना सहयोग करते हैं? फुल सपोर्ट करते हैं। मैंने फुल सपोर्ट में क्या क्या मतलब, अब हम नहीं जानते, पूरा फुल सपोर्ट है, पूरा सहयोग करते हैं। क्या कभी नहीं बोले कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई क्या उम्र है और तुम रील्स बना रही है? सख्त न पढ़ाते, मैं बचपन से ही नहीं चाहती पढ़ने को, लेकिन मजबूरी में पढ़ लेते हैं। आप थोड़ा मेरा फीलिंग को समझिए, हम ज्यादा रील्स नहीं मन उन लगाते हैं। देखिए, ज्यादा रील्स उल्स में मन ही लगाती है और रील्स बनाना ही चाहती है, लेकिन या क्या आपको डांसर बनना है कि सिंगर बनना है? देखिए, मन ये डांसर ही बनना है, क्योंकि डांसर बनूंगी तो मुझे तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे सिंगर भी बनना है डांसर भी बनना है, दोनों ही बनना है। इसको अगर पवन खेसारी में दोनों के तरफ से ऑफर है तो किसके साथ काम करिएगा? दोनों के तरफ मतलब, यदि अलग अलग दिन पे आए तो मैं चले जाऊंगी, और अलग अलग दिन पे नहीं आए तो मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों? क्योंकि दोनों एक टाइम पे रहे तो मैं अपने सिर को तो नहीं खटाऊंगी कि नहीं इसके पास जाऊं कि इसके पास जाऊं, तो फिर किसी के पास नहीं जाऊंगी, और अलग अलग दिन पे आएगा तो मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, रजनी रील्स के साथ पढ़ाई भी करती है क्या? हाँ थोड़ा बहुत।
क्या थोड़ा थोड़ा बहुत का मतलब कि ऐसे कॉपी देख करके और रख देना? नहीं, जब भी हम बुक को सामने लाते हैं मुझे नींद आने लगता है, जैसे कॉपी को हटा देते हैं वैसे सोचते हैं कैसे हमको डांस करना है। नींद में डांस नहीं ना करती है? नहीं, बस नींद में यही सोचते हैं कि आगे मुझे कौन सा स्टेप करना है, बस ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, ये एक रील्स क्रिएटर के साथ साथ एक फनी क्रिएटर भी है। देखिए कितना हरकत इसका जो है, काफी बच्चों वाली हरकत है और एक फनी डायलॉग हो जाए, क्योंकि जो आपका हरकत है ना एकदम प्योर लग रहा है कि दो तीन महीने का जैसे बच्चा। ज्यादा स्टाइल मत मारने, तो ऐसा फाइट मारूंगी कि जाके गोरखपुर में गिरोगे। रुको, सबर करो, थोड़ा धीरे मारना, क्योंकि मुझे तंकुही रोड में कुछ काम है। गजब। बाकी रजनी के रील्स के लिए और इनके कला के लिए आप लोग के मन में क्या आता है, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब। और इनके चैनल, आपका चैनल का क्या नाम है? इंस्टाग्राम चैनल का नाम है रजनी रोशनी और यूट्यूब चैनल का नाम है रजनी ऑफिशियल 2212। और कहाँ है, हाँ, फेसबुक बिहार की रजनी, उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, रजनी को तो जानते हैं, लेकिन रोशनी कौन है? रोशनी मेरी बहन है। वो क्या करती है, तो फिर रील्स में उसका क्या काम? मुझे अच्छा लगता है अपनी बहन का नाम लगाने में, तो किसी को क्या करना है, मैं लगा रही हूँ। मम्मी का भी नाम लग सकता था? लग सकता था, लेकिन मैं अपनी बहन का लगाई, तो इसमें किसी को क्या करना है, मेरी मर्जी, मैं किसी का लगाऊ। ज्यादा किसको चाहती है? चाहती तो मैं किसी को नहीं हूँ, मैं खुद को चाहती। बहन भी बैठी है बगल में, पूछेंगे ना कि अपने घर वालों में से किसको चाहती हो, तो चाहती हो तो मैं किसी को नहीं चाहती, मैं खुद को चाहती हूँ, अपने डांस को चाहती हूँ और अपने फैमिली को चाहती हूँ, आगे किसी को नहीं। बाकी इनके रील्स के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, इनके हरकत के लिए भी क्या मन में आ रहा है वैसा खुद कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।